पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 23 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। अजलास में अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत के हतक इज़्ज़त बिल पर एतराज़ात उठा दिया। अपोजिशन लीडर की हतक इज़्ज़त बिल दोबारा कमेटी को भिजवाने की दरख्वास्त। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा कि हतक इज़्ज़त बिल पर सवाल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। स्पीकर का कहना था कि हतक इज़्ज़त कानून 2024 में आज़ादी सहाफत का इशू नहायत अहम है। अपोजिशन इस कानून पर अपने तरमीम जमा करवाए। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान का अपोजिशन को नेपा से कोर्स करवा कर देने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून को एक और झटका। लाहौर हाईकोर्ट ने राणा अरशद की जीत का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया। पीपी 133 ननकाना साहब से नून लीगी उम्मीदवार राणा अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त। जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए अपील मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया था।